बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आमिर भट्ट और आप देख रहे हैं स्टेट 5 टीवी। बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। आवाम को ट्रैफिक कवानीन बारे शऊर और आगाही देने के लिए सिटी पुलिस और पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने कुछ तरका मुहिम 1 सितंबर से शुरू कर दी है, जो 15 सितंबर तक चल रही है। इसी सिलसिला में मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे साजिद हुसैन भट्ट से। जी साजिद हुसैन भट्ट, मजीद आगाह कीजिएगा। जी, सिटी ट्रैफिक पुलिस और पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के ट्रैफिक कवानीन बारे अवामी शऊर आगाही की गरज से मुश्तरका मुहिम 1 सितंबर से शुरू है, जो 15 सितंबर तक जारी रहेगी। इस सिलसिले में DSP एहसानुल्लाह शाद और हतून अफीसर समैरा मांगट ने गुज़श्ता रोज़ पेट्रोलिंग हाईवे पोस्ट सोदरा के बेट एरिया में कैंप लगाया, जहाँ वामुन नाज को ट्रैफिक कवानीन बारे मालूमात देने के अलावा इस बाबत पंफलेट तकसीम किए गए। पुलिस अफसरान ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों, बिलखसूस हेलमेट का इस्तेमाल ना करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को वार्निंग जारी करते हुए बताया कि 15 सितंबर के बाद से हेलमेट इस्तेमाल ना करने वालों को जुर्माने किए जाएंगे। दूसरी जानब शहरी हलकों ने टूट फूट की शिकार सड़कों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अहकाम की कफलत से टूट फूट के शिकार सड़कों पर सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। धूल मट्टी में हेलमेट पहनना तो महाल खड्डों और गढ़ों से संभल कर मंजिल मकसूद पर पहुँचना ही जान जोखिम में डालने के मुतरादफ होता है। अल्लाह काम ट्रैफिक कवानीन के साथ साथ सड़कों की तमीर और मरम्मत की जानब तवज्जो दें। साजिद भट्ट, सिटी 5 न्यूज़, वज़ीराबाद। सिटी 5 टीवी में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए सिटी 5 टीवी। मत भूलिए हमारा पेज सब्सक्राइब करना सिटी 5 टीवी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।